प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हमारे देश का 77वां स्वतंत्रता समारोह है और यहाँ पर हम सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और इस शुभ अवसर पर मैं क्लास 12 की छात्रा आरती आपको एक छोटे से विषय पर स्पीच सुनाना चाहूंगी, जो है बदलता हुआ भारतीय समाज, उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा। आजादी के इतने सालों बाद भी हम अपने देश की कल्चर सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा खास नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आने वाली न्यू जनरेशन कुछ अच्छा सीखे, बल्कि हम खुद उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि हमारा देश, हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी तीनों ही बदनाम हो रहे हैं। फैशन और ट्रेंड्स के नाम पर हम उन्हीं अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं जिन अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें 76 वर्ष पहले ही आजाद करा दिया था। वेस्टर्न ट्रेडिशन के नाम पर हम इंडियन ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य परंपरा को अपनाने के चक्कर में हम भारतीय परंपरा और संस्कृति से पिछड़ रहे हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है वह खुद को मॉडर्न कहलाना ज्यादा पसंद करती है बजाय एक इंडियन के। सही मायने में देखें तो हम आज भी आजाद नहीं हुए हैं, हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के गुलाम होते जा रहे हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर संघर्ष किया और सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश को अंग्रेजी अधीनता से मुक्ति दिलाई। अंग्रेजी अधीनता से ब्रिटिश राज को इस भारत से खत्म करने का उनका मकसद सिर्फ भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना ही नहीं था, बल्कि उसकी परंपरा और उसकी संस्कृति को भी बनाए रखना था। आजादी से पहले हमने सिर्फ अपनी स्वतंत्रता से ही हाथ नहीं धोया, बल्कि हमने अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को भी वेस्टर्न ट्रेडिशन के अनुसार बदलने की कोशिश की है। आज भी हमारे भारत देश की विश्व में पहचान उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता और उसकी परंपरा के कारण हो रही है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति का भी अनुसरण करना चाहिए। हमें भूतकाल को भी नहीं भूलना चाहिए, इतिहास को भी अपने साथ रखकर चलना चाहिए जिससे कि हमारा भी अच्छा मार्गदर्शन हो और आगे आने वाली पीढ़ियां वो भी कुछ अच्छा सीखे। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और उसका उपयोग है जितना अच्छे कामों में होता है उससे कहीं ज्यादा उसका यूज बुरे और बेकार कामों में होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाते हैं, सामाजिक समाज को कलंकित करते हैं और इस मामले में लड़के और लड़कियां दोनों ही आगे हैं। मानना कि समय के अनुसार स्वयं को ढालना आवश्यक है, लेकिन इतना ही नहीं कि हमारी पहचान ही नष्ट होने लग जाए। भारत के लोग हैं वो एक रेल की पटरी की तरह है। जिस प्रकार रेल के डब्बों को चलाने के लिए की इंजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भारत के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे सर्वोच्च नेता की आवश्यकता है जिसने सभी सामाजिक वर्ग और समूह को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। इसी के साथ भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन, गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके कारण आज भी हम खुद को गुलाम महसूस कर रहे हैं। माना कि इन सब से लड़ने के लिए लॉ ऑफ ऑर्डर्स हैं, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्लो और ब्लाइंड है। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है, वो है हमारी समझदारी और हमारी बेहतर एजुकेशन। आई होप ये सारी चीजें आप भी समझे और लोगों को भी समझे, क्योंकि कुछ करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।